हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं आदिलाबाद का किला। पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था कुकलकाबाद किला, उसी के अपोजिट, उसी के उल्टा आपको एक मिलेगा आदिलाबाद किला। तो चलिए हम इसके अंदर आपको लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले कि आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो आप अकेला ना आए, क्योंकि बहुत सुनसान जगह ये, आपको चारों तरफ से जंगल झाड़ मिलेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे दो लोग, तीन लोग और चार लोग आए, और आपको खास करके आप यहाँ पे जब भी आए तो शाम में आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और धूप की वजह से आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह, इसे प्यास वगैरह लगेगी। तो चलिए हम आपको किला दिखाते हैं। और ये जो किला है वो एकदम हाइडन जगह है, जो शायद कि बहुत लोग नहीं जानते हों, बहुत लोग नहीं आए होंगे। तो चलिए हम इस किले को आपको दिखाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये रास्ता आदिलाबाद फोर्ट के लिए है, जो आदिलाबाद किला के लिए ये रास्ता जा रहा है। और दोस्तों ये किला काफी ऊंचाई पे है, तो चढ़ने में बहुत ज्यादा थक गया हूँ। कैसा लग रहा है? चला ही नहीं जा रहा, ज्यादा थक गया। तो ये फाइनली हम ऊपर में आ गए हैं, और यहाँ से आपको दिखाना चाहते हैं ये सामने, और ये जो आप गयासुद्दीन तुगलक का टोम देख रहे हैं, जो व्यू देख रहे हैं आप, ये तुगलकाबाद का किला है। तो जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे, ये आपका मेन गेट है, ये आप सामने देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैप मिलेगा। सबसे पहले हम आपको जो लेकर चलने वाले हैं, तो ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये इसका चारों तरफ से दीवार है। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसका नाम रॉयल पैलेस है। तो हम आपको दिखाने वाले, ये हाइडन जगह है, जो कि शायद आप नहीं आए होंगे और काफ़ी लोग नहीं जानते इस जगह के बारे में। लेकिन ये किला जो है थोड़ा साफ सफाई भी है, और यहाँ पे आप खासकर कभी अकेला नहीं आए, क्योंकि ये जो जगह है बहुत सुनसान जगह है, और यहाँ पे जो नशेड़िए लोग जो नशा करते हैं उस टाइप से यहाँ पे लोग आते हैं। तो इसलिए आप खासकर यहाँ पे अकेला ना आए, आप यहाँ पे दो लोग, तीन लोग, चार लोग ही आए, क्योंकि यहाँ पे आप अकेला आने से आपको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि बहुत सुनसान जगह ये, तो आप यहाँ पे अकेला ना आए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये वो जगह है जहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले को बनवाया था। और जब तुगलकाबाद का जब किला बन रहा था, तो उसी के एक साल के बाद इस किले को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले को बनवाया था। और इस किले को अपने लिए बनवाया था, उन्होंने खुद रहने के लिए इस किले को बनवाया था, जिसको रॉयल पैलेस भी कहते हैं। बट वो यहाँ पे रह नहीं सके। और मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, जो पहले के ज़माने में जो मुग़लों से जो लड़ने के लिए जो जगह बनाए थे यहाँ पे, जो तीर चलाने के लिए, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलने वाले जो हैं वो इसके ऊपर से दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, गयासुद्दीन तुगलक का जो किला था, उसी टाइप से ये जो आप देख रहे हैं, ये इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ से तीरों से उन पर हमला कर सके, और यहाँ से वो रक्षा कर सकते हैं। रक्षा करने के लिए ये बनाया गया था। और आपको मैं बता दूं कि ये किला इसलिए इन्होंने बनवाया था कि ये खुद रहना चाहते थे यहाँ पे, बट ये रह नहीं पाए। और इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते, काफ़ी ज़्यादा इसकी गहराई है। गिरने के बाद उम्मीद तो कम ही है कि बच पाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये जो रास्ता, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ से दुश्मनों से लड़ सके और यहाँ से रक्षा कर सके। गयासुद्दीन तुगलक का जो किला था, वहाँ भी आपको इस टाइप से मिला था जो मैंने आपको दिखाया था, ऐसा ही आपको चारों तरफ मिलेगा। तो चलिए हम इसको आगे से दिखाते हैं आपको। तो जैसे आप यहाँ पे, इधर से तो रास्ता नहीं है,
तो ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता है इधर जाने का, जिससे हम आपको लेके चल रहे हैं। और इसके अंदर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो कुछ है नहीं, बट रक्षा के लिए यहाँ पे ये बनाया गया था। जो कि आप देख सकते हैं चारों तरफ। तो चलिए हम ऊपर आपको लेके चलते हैं, जो कि एकदम खंडर हो गया है, जो कि काफी डर भी लगता है इधर, क्योंकि कोई है भी नहीं। ये ऊंचाई पे है, ये एकदम खंडर हो चुका है, बीच में इधर जा नहीं सकते हैं। और उसके बाद ये दीवार है, इधर जाना अलाउड नहीं है, ऊपर चढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड है उन्होंने मना किया, बट फिर भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये आपको अच्छी तरीके से ये दीवार दिखाई दे रही होगी, जो किले की जो आखिरी दीवार है ये। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो शायद के एक ये रास्ता है, पता नहीं क्या है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद इधर से निकलते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक ये रास्ता है इधर जो कि थोड़ा सा जंगल टाइप से है। तो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे एक कुआं दिखाई दे, बट ये बहुत गहरा है, फिर भी घबराने की बात नहीं है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुआं जो काफी गहरा है, उसके बाद दूसरा कुआं जो है वो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये भी काफी गहरा है। उसके बाद आपको एक और भी कुआं दिखाई दे रहा होगा, ये भी काफी गहरा है। उसके बाद यहाँ पे इस कुएं के जो रास्ता है वो अंदर से आपको मिलेगा, इस मतलब आप इस कुएं से उस कुएं में जा सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे चार कुआं है। ये इधर देख सकते हैं, जो कि काफी झाड़ी वगैरह है, इसमें नहीं जा सकते हम, बट इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका ये आपको यहाँ पे एक तालाब मिलेगा। तो हम फाइनली वो जगह पे आ गए हैं जहाँ से इस किले का जो दीवार है वो एंड होता है, अब इसके आगे आपको कोई दीवार नहीं मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक दीवार है, आपको वहाँ पे इस किले का आखिरी दीवार है वो मिलेगी। पहले के ज़माने में जो बादशाह लोग जो होते थे तो अपना वो किला जो बनाते थे मेहरौली साइड में बनाते थे, मेहरौली साइड में इस वजह से बनाते थे ताकि वहाँ पे पानी के दिक्कत नहीं होता था, तो अपना रहना सहना उधर ही रखते थे। चलिए हम आपको और दिखाने वाले हैं, जब आप किले के जब आखिरी दीवार पे जब आप आएंगे तो आपको एक दीवार दिखाई देगा, और उसके आगे आपको एक सामने में जो किला दिखाई दे रहा है वो है
तुगलकाबाद के किला। और सामने में जो आप ये टॉम देख रहे हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक का टॉम है। तो चलिए हम आपको, और ये आप इधर देख सकते हैं, गिरने के बाद तो चांस कम ही है बचने का, क्योंकि जिस हिसाब से गहराई है बहुत ज़्यादा ही गहराई है इधर। तो अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं आगे। यहाँ पे एक और जगह है जो कि हम आपको लेके चल रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। और ये इसका आखिरी, देख पा रहे होंगे ये इसका दीवार का, ये किले का ये आखिरी दीवार है। और उसके आके आपको जंगल ही जंगल मिलेगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो जंगलों के बीच में है। दिल्ली जो बसा हुआ है एक जंगलों के बीच में बसा हुआ है। चलिए चलते हैं। ये इसका जो कि थोड़ी ऐसा वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।